नारी आश्रम है भगवान वाल्मीकि जी का शत शत नमन करते हैं। और मैं हुण बेनती करांगा बाबा फल्ला सिंह जी नूं कि वो अपने प्रवचनों द्वारा संगत नूं निहाल करन। और वाणी च बहुत संतुलन है और बहुत जोश है और होश भी है नाल। इहदे नाल उपर स्टेज ते चढ़ के तुसीं महाराज नूं सरोपे पा दिओ। और बिक्रम सिंह पोचे के सरपंच उन्होंने भी बेनती है कि वो स्टेज पर आके सरोपे भेंट करन। और मनजीत सिंह जी, सरदार मनजीत सिंह जी, भारतीय किसान संघ कमेटी। और मैं भाई साहब भाई प्रमोद जी को भी बेनती करांगा कि वो स्टेज पर आगे आ जाए। और श्रीमान नरेश कुमार जी जो कि यात्रा प्रमुख हैं, उन्होंने भी बेनती है कि वो अपना सम्मान लैन की कृपालता करन। भाई साहब भाई प्रमोद जी, नरेश जी, यात्रा की प्रबंधक कमेटी थोड़े चरणों में बेनती भी करेगी कि तुसी कल्पना की गई है वो सार्थक हो सके। मैं थोड़े चैनल के माध्यम के राही ये जानकारी देना चाहता हाँ कि ये जो संजीवालता यात्रा है ये भगत गुरुआ और गुरु साहबाना दे जो सानू संजीवालता का मार्ग दिखाया है, सभे संजीवाल सदायन तू किसे ना दिसे बारा जी। ये यात्रा जिहड़ी है मेड़ता तो शुरू हुई है जिहड़ी कि मीरा जी दे जन्मस्थली है और सतगुरु रविदास जी का वो स्थान भी है। उस जगह तो ये यात्रा शुरू होके 4 नवंबर तो शुरू होके 5 नवंबर और 6-7 नवंबर तक ये यात्रा राजस्थान रही है। और 8 नवंबर नूं कल ही गुरु धन धन गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पुरब ते यात्रा जिहड़ी है ये पंजाब दे विच एंटर कीती है। और ये यात्रा लगभग 16 दिन इस पंजाब च रहेगी। अद्धा दिन ये यात्रा जम्मू कश्मीर दे खेत्र च रहेगी और अद्धा दिन ये यात्रा हिमाचल दे खेत्र च रहेगी। 1 दिन ये यात्रा चंडीगढ़ रहेगी और 10 दिन ये यात्रा जिहड़ी है हरियाणा प्रांत दे विच रहेगी। और इस यात्रा का मुख्य संदेश यही है कि गुरु अर्जन देव जी ने जो कहा है सभे सांझी वाल सदायन तो किसे ना दिसे बारा जी। जिहड़ियां साडे समाज दे विच कुरीतियां व्यापत ने जिदे वास्ते डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने संविधान दे अंदर एक ऐसे आर्टिकल लिख के इनू खत्म करन दी कोशिश कीती है, प्रयास कीता है कानूनी तौर पर, पर उसके बावजूद भी साड़ी सारे समाजां दी जिम्मेवारी बनती है उन्हू असी जड़ियाँ कुरीतियाँ दूर करिए। एग्जाम्पल के तौर पर साढ़े पिंडां दे विच दो भाईचारियां दे शमशान घाट बने हैं जिहड़ी कि साढ़े बजुर्गां ते साढ़े उम्र के जिहड़े वर्तमान च जी रहे ने और आने वाले जिहड़े आ उन्हां दे मूँह ते बहुत वड्डी चपेड़ है कि अज तो ये असी वंडियां पा के बह गए हाँ। इस नूं सुधारन की लोड़ है कि शमशान पिंड का एक ही होना चाहिए और किसी जाति विशेषता नहीं, गुरद्वारा भी एक ही होना चाहिए पिंड दे विच, अलग अलग समाजों के गुरद्वारे नहीं होने चाहिए। इस यात्रा नूं लैके इस विचारकी नूं लैके असी संत बाबा गुरविंदर सिंह जी महाराज और संत बाबा परशोत्तम लाल जी महाराज उन्हां दी अगवाई दे विच यात्रा लैके तुरे हुए हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।